नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन मोली फिशेज। मोली फिशेज में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, जो मोली फिश होती है उसमें मेल और फीमेल पहचानना शुरू शुरू में मुश्किल होता है। जब वो मेच्योरिटी में आती है तब हम पता कर सकते हैं उसमें अंतर। तो दोस्तों, यह कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम मोली फिश के मेल और फीमेल का पता इजीली लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, पॉइंट नंबर वन है बॉडी शेप। दोस्तों, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो मेल मूली है वो बिल्कुल पतले हैं और जो फीमेल मूली है उसका पेट जो है वो थोड़ा सा मोटा है। जो फीमेल मूली होती है उसका पेट जो होता है वो थोड़ा फूला हुआ होता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बॉडी साइज़। जो मेल मोली फिशेज होती हैं वो 2 से लेके 4 इंचेस तक बड़े हो सकते हैं, और दोस्तों जो फीमेल मोली फिश होती है वो मेल मोली से लंबी होती है साइज़ में हमेशा। पॉइंट नंबर तीन है एनल फिन। फिश की टेल के बराबर में एक छोटा सा फिन होता है। दोस्तों, फीमेल में यह राउंड शेप में होता है थोड़ा सा, और दोस्तों मेल में यह लंबा और नुकीला होता है। इसे एनल फिन बोलते हैं और आप ये देखते ही पहचान सकते हैं जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों बिहेवियर का। जो मेल मोली फिश होता है वो हमेशा चेज करता है फीमेल मोली फिश को। यह आपको देखने से पता चल जाएगा कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। जो मेल होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का भी होता है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे तो वो है डोर्सल फिन के बारे में। दोस्तों, मोली फिन में डोर्सल फिन की बात करें तो ऊपर का जो छोटा सा पार्ट होता है, फिश के ऊपर का जो बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है वो डोर्सल फिन होता है, उसे हम डोर्सल फिन बोलते हैं। तो जो फीमेल होती है उसमें डोर्सल फिन छोटा होता है और मेल में काफ़ी बड़ा होता है, और यह आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में अब हम पांचवें पॉइंट की बात करेंगे। दोस्तों, जो मेल मोली फिश होते हैं वो गोल्डन और ब्राइट कलर के होते हैं, और जो फीमेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो फीमेल होती है वो लेस कलरफुल होती है। तो दोस्तों, यह मैंने आपके साथ 5 पॉइंट शेयर किए जिससे कि आपको आसानी होगी मेल और फीमेल मोली फिश को पहचानने में, और फिर आप उनकी ब्रीडिंग आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों, यह मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।